नमस्कार, किरण्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ में मक्के के आटे की रोटी बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ठंड के मौसम में मक्के की रोटी बहुत अच्छी लगती है। मक्के में विटामिन ए, बी, आयरन और फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इससे हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी भी मिलती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरी चैनल किरण्स किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं अपन मक्के की रोटी बनाना। मक्का के आटे की रोटी बनाने के लिए मैंने 1.5 कटोरी मक्का का आटा लिया है। थोड़ा सा हम इसमें नमक डालेंगे और रोटी पर लगाने के लिए घी। इसमें हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। हमने मक्के के आटे को एक बड़ी परात में निकाल लिया है। अब हम इसमें 1/3 चम्मच नमक डाल लेंगे। फ्रेंड्स, आटा हम अपने हिसाब से ले सकते हैं। हमारी फैमिली में जितने मेंबर हैं, हम जितनी रोटी बनाना चाहें उतना आटा ले सकते हैं। अब हम आटा में नमक अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और कुनकुने पानी की सहायता से हम इसे गूंथेंगे। और पानी हम थोड़ा थोड़ा लेंगे, जितनी ज़रूरत होगी उतना ही पानी लेंगे, क्योंकि हमें इस पर बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होगी। ये देखिए, हमारा आटा हमने गूंथ लिया है। अब हम जितनी रोटी बनानी होगी उतना ही आटा लेकर थोड़ा सा पानी इस पे डालकर इसे हथेली की सहायता से अच्छे से मसल लेंगे। ऐसा करने से हमारी रोटी बहुत सॉफ्ट बनेगी। इसे हम एक या दो रोटी जब जितनी हमको बनानी है पहले हम उतना लेंगे और फिर अगली रोटी के लिए हम फिर से इसे कर लेंगे, नहीं तो हमारा आटा बहुत कड़क हो जाएगा। इस तरह से हम इसे मसल कर इकलौती तैयार कर लेंगे। हमने आटा मसल कर इसको अच्छे से चिकना कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसकी लोई बनाएंगे। थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है तो हम इसे तोड़ लेते हैं और अब इसे हाथ में हथेली की सहायता से दबाते हुए अब हम इसकी रोटी बनाएंगे। पानी लगा लेंगे। इसकी रोटी तैयार करेंगे। इसकी रोटी ज़्यादा बड़ी नहीं बना सकते हैं क्योंकि टूटने का डर रहता है। और हम इसमें सूखे मक्के के आटे का या गेहूं के आटे का प्रयोग नहीं करते, थोड़ी सी इसे हम मोटी ही रखते हैं। हाथ से दबा दबा कर हम इसे अच्छे से बड़ा कर लेंगे। ये देखिए, हमारी कितनी अच्छी रोटी बनकर तैयार है। हमने तवा गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम इस पर रोटी डाल देंगे और इसे लो फ्लेम पर ही सिकने देंगे जब तक नीचे से थोड़ी सी कड़क होकर पलटने लायक ना हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, हमारी रोटी का ऊपर से भी थोड़ा सा कलर चेंज हो रहा है। अब हम पलटे की सहायता से इसे हल्के से चारों तरफ से निकालते हुए और पलट देंगे। देखिए एक साइड से हमारी कितनी अच्छी हो गई है। अब हम तवा उतार कर इसे अच्छे से सिकाई कर लेंगे। इसे हम लो मीडियम फ्लेम पर ही सेकेंगे ताकि हमारी रोटी बहुत अच्छे से बन जाएगी। देखिए हमारी रोटी कितनी बढ़िया फूल गई है और बहुत अच्छी सिक गई है, आप देख सकते हैं।
इसे अब हम चिमटे की ही सहायता से थोड़ा सा बीच में से इसके छेद टाइप बना देंगे। आप इसे चम्मच से भी कर सकते हैं। और घी लगाकर इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए। ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। सीधे तवे से उतरकर रोटी थाली में आती है तो उसका स्वाद ही कुछ और होता है। इस तरह से हम इसमें अच्छे से घी लगा देंगे। अगर आप चाहें तो कम भी लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा अगर घी है तो इसका स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है। इसी तरह से हम सारी रोटियां तैयार कर लेंगे। हमारी गर्मा गर्म सब मक्के की रोटियां बनकर तैयार हो गई है। इसे हम ऐसे ही थाली में परसेंगे ताकि इसका स्वाद और अच्छा आ जाएगा। इसमें से बहुत ही सोंधी सोंधी खुशबू भी आ रही है। मैंने इसमें घी लगाया है, आप घी के बदले बटर भी लगा सकती हैं। इसे हम सरसों के साग के साथ तो खाते ही हैं, लेकिन कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी या मिक्स दाल के साथ भी इसे परोस सकते हैं। मक्के की रोटी के साथ थाली में गुड़ और सलाद भी परोसिए, इससे इसका स्वाद और भी अच्छा लगेगा। मालवा प्रांत में तो इसके साथ लाल मिर्च और लहसुन की तीखी चटनी भी परोसी जाती है। तो आप इसे घर पर एक बार ज़रूर बनाइए, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ एंजॉय कीजिए। और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ फिर से एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।